संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। तत्सविस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटि नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहरुष्य तेनुरजते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्मात् च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सत्सत् परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद धन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। त्वमादि देवः पुरुषः पुराण अस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधान वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम्। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं, आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोग्निर् वरुणः शशांकः प्रजापतिस्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार।
नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम्। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमः सकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वां महमप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरियान् न त्वत्समोत्सव्यधिकः कोतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वां महमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वं ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनोमि तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वस्वरूप,
हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वं अनंतं आद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। नवेर्न यज्ञात् भयनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम् नृलोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरुप्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। माते व्यथामाच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रुंग ममेदम व्यतेपभी ही प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवान उवाच, सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्ट्वा नसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, न तप से, न दान से,
और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन्मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? मय्यवेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गाम चिंत्यम च कुटस्थाम चलम ध्रुवम। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं।
तेषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदि भरवाप्यते। उन सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चिंतम समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमापि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासम् ज्ञानधयानम् विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागश्चान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का
ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शक्ति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मर्यपीत मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं, वो मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। केतः स्थिरमतिर्भक्ति मान मेल प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तस्तेति वमे प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करता है, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है।